मैं थोड़ा प्रिडिक्शन करता हूँ इसके बारे में ना। जिन लोगों का डेस्टिनी वन होता है, वो जैसा ट्रेड्स मैंने बताया था वो वैसा ही रहता है, उनके लिए जीवन में कोई चीज प्रायोरिटी पे होती है तो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। वो ऐसी जगह जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे जहां पर उनको उनको रिगार्ड ना मिले या उनकी बात को ना सुना जाए। वो भी सेम नेचर रहता है हर जगह, फैमिली में, फ्रेंड में, स्कूल में, कॉलेज में, उस्ताद वही रहते हैं। 100 आदमियों की भीड़ में कोई पंगा होगा तो वो एक कदम बढ़ा के आगे खड़े हो जाएंगे। लर्निंग हमेशा जीवन में हमेशा लर्निंग चलती रहेगी। और सबसे खूबसूरत प्रिडिक्शन, 30 ईयर्स से पहले लाइफ में चीजें थोड़ा स्लो रही होंगी और 30 ईयर्स के बाद एकदम से सिनेरियो चेंज हो गया होगा। ऐसा हो सकता है कि इनका भी शादी करने का मन ना हो। शादी होना या ना होना वो सेकेंडरी है, लेकिन जिस टाइम शादी की बात चल रही होंगी या वो शादी की एज होगी तो ऐसी फीलिंग आएगी कि शादी करने का मन नहीं है मेरा, डू नॉट वॉन्ट टू मैरी। अगर शादी हो भी जाए तो फिर जीवन के एक मोड़ पे ये कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न कर जाते हैं ऐसे लोग, और इनको भी मूड स्विंग्स और डिप्रेशन होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी इनको रहेगी। और जीवन में कभी ऐसा मोड जरूर आया होगा जब भयंकर डिसरिस्पेक्ट इनको फेस करनी पड़ी, ऐसा ये ग्रिड देख के कहा जा सकता है। कुछ सही है सर इसमें से? हाँ, 30 के बाद तो बात सही है, इमोशनल है या और डिसरेस्पेक्ट वो तो वाइफ की तरफ से हुआ है, तो वो मतलब यू नो। मैंने, मुझे रीजन नहीं पता किस वजह से, लेकिन वो हमारे को ऐसा फील करवाएगा। हाँ हम जैसा नहीं चाहते वैसा हमारे साथ बिहेवियर किया जाएगा। हाँ ओके ओके हाँ और वो उसके बारे में क्या कि शादी का मन ना होना ऐसा कुछ ऐसा? हाँ हाँ वो तो नहीं था, बस यू नो पिताजी ने बोला करो, यू नो ठीक है, वो तो ये पिताजी इनिशिएटिव ले रहे थे, करो करो, अभी क्या करें, पिताजी को ना तो नहीं बोल सकते। जिस तरह कोई अंधकार में कक्ष में हम प्रकाश पुंज या दिया प्रज्वलित करते हैं और पूरे कक्ष में रोशनी हो जाती है, उसी तरह से ये वैदिक विद्याएं और ये वैदिक अंक ज्योतिष हमारे को भविष्य के अंधकार को दूर करके रास्ता दिखाते हैं।